नागपुर की नाग नदी के गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए उसे भंडारा की वैनगंगा में छोड़ा जाए। इसके लिए MMRDA की ओर से रणनीति बनाई गई और इस संदर्भ में निविदा भी निकाली गई, लेकिन बाद में निविदा को रद्द कर दिया गया। एक वर्ष तक सदैव इस मुद्दे को उठाने के बाद भी इस मुद्दों पर कुछ ठोस नतीजा सामने नहीं आया। परिणाम स्वरूप भंडारा की वैनगंगा नदी अभी भी प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाई। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार इस मुद्दे पर कब ध्यान देगी? यह मुद्दा विधान परिषद में भाजपा विधायक परिणय फुके ने उठाया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र तथा उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों का बड़ी तेजी से शहरीकरण होने के कारण कंपनियों का निर्माण भी उसी के अनुरूप हुआ है। इन कंपनियों का गंदा पानी बहकर पहले नागपुर की नाग नदी में मिलता है और बाद में वही पानी भंडारक के वैनगंगा नदी में मिल जाता है। यह पानी नाग नदी, कन्हान नदी, इनके बाद वैनगंगा नदी में जाकर मिल जाता है और वहाँ के पानी को प्रदूषित करता है। इसके बाद इस पानी का विलय गोसीखुर्द के इंदिरा सागर प्रकल्प में होता है। इस वजह से वैनगंगा नदी के पानी का प्रदूषण स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताज़ा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।